बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आशाज क्यूजीन में एक बार फिर से वेलकम। आज मैं अपने व्यूवर्स के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मजेदार, बहुत ही टेस्टी बीफ रोस्ट पार्चों की रेसिपी, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलें देखते हैं इसके लिए हमें क्या चाहिए। बीफ 2 किलो, इस तरह से इनके पार्चे बनाएंगे और इस तरह से कट लगा लेंगे, हल्के हल्के कट लगाएंगे इनको। चिली सॉस 2 टेबलस्पून, सोया सॉस 2 टेबलस्पून, दही आधी प्याली, 2 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 टेबलस्पून अदरक पेस्ट, 1 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट। स्पाइसेस में हमें चाहिए सुर्ख मिर्चे 2 टेबलस्पून, सूखा धनिया 1 टेबलस्पून, नमक 1 टेबलस्पून, दड़ा मिर्चे 1 टेबलस्पून, काली मिर्चें 1 टीस्पून और सिट्रिक एसिड या टाटरी 1/2 टीस्पून। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब एक बाउल लेंगे, इसमें हम सब चीजों को ऐड करेंगे। अब इन चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाला मिक्स हो गया, अब एक एक पाचे को लेंगे और अच्छी तरह से इसमें डिप करेंगे मसाले में। इसी तरह सब पाचों को अच्छी तरह से मसाला लगा के हम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। तो चलें अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अब एक कढ़ाई में 1 कप ऑयल ऐड करेंगे, साथ ही 1 कप पानी ऐड कर देंगे, साथ ही इसमें बीफ को ऐड करेंगे। अब हम बीफ को 1/2 घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पर ढककर पकाएंगे। चलें अब बीफ को देख लेते हैं। बीफ का पानी खुश्क हो चुका है, बीफ अच्छी तरह से गल चुका है। अब इसमें हम 1 कप दही लेंगे, 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जीरा। बीफ को ऑयल में थोड़ा सा भूनते हैं फुल फ्लेम पे। अब बीफ के पार्चों पे थोड़ा थोड़ा दही ऐड करेंगे और इसको भूनते जाएंगे। अब बीफ को पलट लेते हैं, फिर इसकी दूसरी साइड पे भी दही को डालेंगे। अब बीफ को इतना भूनेंगे कि मसाला सारा बीफ के पार्चों पे लग जाए, फिर हम चूल्हे को बंद करेंगे। बीफ हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है, तो अब चिमटे की मदद से हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। बीफ रोस्ट पार्चे बन के तैयार हो चुके हैं। आप मेरे तरीके से बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। इंशाल्लाह मिलती हूँ किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।